तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है कि सपोज करो आपके पास कोई भी एक बॉडी है और वो रेस्ट पे है, आपने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने पे इसकी वेलोसिटी कितनी कर दी, वी कर दी. इसका मतलब कि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट. क्यों कर रही है, क्योंकि आपने क्या लगाई, फोर्स लगाई. बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, एस. जो वेलोसिटी कितनी हो गई, वी. तो आपने कांस्टेंट फोर्स लगाई, वेरिएबल नहीं लगाई. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ए एक्सेलरेशन है, एस डिस्टेंस है, और वी वेलोसिटी है. तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मान लो बॉडी डीएस 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 डिस्टेंस कवर कर रही है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, एफ डी एस कॉस जीरो. फोर्स कहां पर है, राइट. डिस्प्लेसमेंट कहां है, राइट. एंगल उनके बीच में क्या है, जीरो. तो एफ डी एस कॉस जीरो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है. पर हमने क्या निकालना है, टोटल वर्क डन. क्योंकि जो भी मैं वर्क डन करूंगा, बॉडी तो रेस्ट पे पड़ी हुई थी, जो भी मैं वर्क डन कर रहा हूं वो उसमें दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि वर्क डन भी जूल में है, काइनेटिक एनर्जी भी जूल में है. तो एक काम करता हूं, मैंने कितना वर्क डन किया वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, वही बाहर आएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो मेरा वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैंने एफ डी एस कॉस जीरो. फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन क्या होती है, डी वी बाई डी टी. अब एक काम करो, इस फोर्स की वैल्यू को एम डी वी बाई डी टी को यहां पुट कर दो, तो क्या आएगा, एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एस. अब डी एस बाई डी टी को अलग कर लो, डी एस बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी वी. तो ये एक्सप्रेशन क्लियर है यहां तक, मैं रिपीट करता हूं. स्टार्ट करो एफ डी एस कॉस जीरो से. फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी. इस फोर्स की वैल्यू को पूरे के पूरे यहां पर एफ की जगह एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी. अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना दो, डी एस बाई डी टी. डी एस बाई डी टी क्या होता है, वी. क्लियर है यहां तक. ये स्मॉल चेंज इन वर्क डन है या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, डी वी. पर हमने तो वेलोसिटी का काफी बड़ा चेंज कर दिया, कहां से कहां कर दिया, जीरो से वी. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करें जीरो से डब्ल्यू, कि जब वेलोसिटी जीरो थी तो वर्क डन जीरो था, जब वेलोसिटी वी हो गई तो वर्क डन डब्ल्यू हो गया. तो इसकी इंटीग्रेशन डब्ल्यू है, वी डी वी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू है. कहां से कहां, जीरो से वी. एक बार v की जगह अपर, एक बार लोअर, तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस जीरो. सॉल्व करके क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये जो वर्क डन आपने किया, ये किसकी फॉर्म में बाहर दिखेगा आपको, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो एक्सप्रेशन क्लियर है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है यहां तक. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. ये आता है, इसके बाद न्यूमेरिकल आ जाते हैं. कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. क्लियर है यहां तक. इसके राइट साइड को मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा करने से न्यूमिनेटर क्या बन गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर. एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मतलब एम वी का होल स्क्वायर. एम वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम. तो ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का याद करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम. तो काइनेटिक एनर्जी का पहला फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और लीनियर मोमेंटम पी की फॉर्म में क्या होगा, पी स्क्वायर बाई टू एम. इंपॉर्टेंट, क्लियर है यहां तक. तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के सीधे आते हैं, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ठीक है यहां तक. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम के, ये भी कर सकते हैं. ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें.